हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फीवर फोक प्रोजेक्ट। मैं पीयूष हूँ, आपका स्वागत है। अच्छा, आज के एपिसोड में हम एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के गांव गनियारी में एक बच्ची अपनी ट्राइब के साथ रहती थी, यानी कि उसके परिवार के लोग, उसकी जनजाति के लोग। एक बार बड़ी भारी बारिश हुई, बच्ची बारिश में खेल करके वापस आई तो माँ ने डांटते हुए कहा कि ऐसे कीचड़ में सने हाथ पैरों से तो खाना नहीं खाने दूंगी, तुझे जा करके हाथ पैर धो करके आने पड़ेंगे, नहीं तो भूखी सोएगी। फाइन, बच्ची ट्यूबवेल पे पहुंच गई हाथ पैर धोने के लिए, और वहां पर उसे एक जानी पहचानी से आवाज सुनाई दी। क्या पता चला, ये आवाज तो नाना जी की है, रिश्ते में दूर के नाना जी लगते थे। बच्ची चुपचाप वहां पहुंची और सुनने लगी। नाना जी द्रौपदी चीरहरण की कथा गाकर सुना रहे थे, और इस तरह से पंडवानी ने उस बच्ची की जिंदगी में कदम रखा। आप समझ गए, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के फेमस फोक फॉर्म पंडवानी की, और वो बच्ची तीजन बाई थी। पंडवानी यानी कि पांडवों की कहानी या पांडवों की कथा, ये फोक फॉर्म छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ तक कि आंध्र के कुछ हिस्सों में भी काफी पॉपुलर है। वैसे तो इस लोकगीत की कथाओं के नायक महाभारत के भीम रहे हैं, लेकिन पंडवानी को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाकर तीजन बाई नायिका बन गई है। आज की पंडवानी तीजन बाई से जानी जाती है, इसीलिए उनकी कहानी सुनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार अपने नाना जी से पंडवानी सुनने के बाद तीजन बाई को रात भर नींद नहीं आई। 10 साल से भी कम उम्र की तीजन के कान में बार बार द्रौपदी चीरहरण कौंधने लगा, और फिर अगले दिन से जब भी नाना जी के कमरे से गाने की आवाज आती तो वो छोटी सी तीजन भागकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती और चुपके चुपके पंडवानी सुनती। और एक दिन ऐसे ही बारिश में भीगते हुए जब वो सुनने लगी तो सर्दी से छींक आ गई। नाना जी आवाज सुनकर बाहर आए, तीजन से इस तरह से छुप करके सुनने की वजह पूछी तो उसने बताया कि पंडवानी अच्छी लगती है सुनने में। नाना जी ने पूछा, सीखना है? तीजन ने कहा हाँ। अब नाना जी की हामी मिल गई, और फिर हर रोज रात को खाना खाने के बाद वो नाना के यहाँ जाती और पंडवानी सीखती। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में वो नाना जी के इकतारा के लिए तीसरा तार खोजने की जुगत लगाने लगी। सोते जागते उठते बैठते वो पंडवानी गुनगुनाती। भीम सेल के छोड़ बोला दूसरा पति कभी मत देगी, ये शंकर के पास जल चढ़ाने वाली अहिलवती सदा भीम सेल ने पति मानत रहे। एक दिन तीजन की माँ को ये पता चला कि तीजन पंडवानी सीखने रिश्ते में उनके चाचा और तीजन के फेवरेट नाना के यहाँ जाती है। फिर क्या था, माँ ने उसकी क्लास लगा दी। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उस समय पंडवानी केवल मर्द गाते थे, औरतों को इसकी इजाजत नहीं थी। धर्मदेव पुकार के धर्मराज युधिष्ठिर पुत्र मांगे, पवन देव ला याद करके भीमसेन बेटा मांगा था ले के। और यही वजह थी कि तीजन ने 12 साल से भी कम उम्र में घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रात कबीले के कुछ लोग गांव से दूर काम खोजने जा रहे थे, तीजन भी उसी काफिले का हिस्सा बन गई और गांव से सटे कस्बे में चटाई और झाड़ू बनाने का काम करने लगी। ये एक स्कूल था जो मेहनत मजदूरी करने वालों का ठिकाना बन गया। इस जगह पर तीजन खुल के पंडवानी गा सकती थी, वो अपना काम करती रहती और गाती रहती। साथ में काम करने वाले लोगों में धीरे धीरे उसकी गायकी का जादू चलता गया। एक दिन वहां के मैनेजर भूषण जी ने तीजन बाई को सुन लिया और उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर 10 रुपए का इनाम दिया, और यहां से उनकी कला को जो रिकॉग्निशन मिली वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से लेकर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक लगातार चलती गई। तीजन बाई के बिना पंडवानी लोक गीत की बात आज 2022 में हो ही नहीं सकती। उनकी सिंगिंग की खासियत ये है कि पूरी महाभारत उनकी जबान पर है, और उनके फैंस का ये मानना है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनसे एक बार भी गलती नहीं हुई है आज तक। मतलब महाभारत की कहानी कहने में वो चूकती नहीं है। एक हाथ में एक तारा लेकर जिस तरह से वो गाती हैं,
वो ऑडियंस को मेस्मराइज कर देता है। अब बात करते हैं पंडवानी के नायक यानी लीड कैरेक्टर भीम की। वैसे तो महाभारत एक ऐसी महागाथा है जिसे आप जिस भी कैरेक्टर के पक्ष से देखेंगे वही उस महान कथा का नायक लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में भीम नायक रहे हैं। ओरिजिनल पंडवानी पांडवों के अज्ञातवास की कहानी है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीमसेन वर्षा देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पंडवानी के भीम थोड़े अलग हैं। वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें महाभारत के भीम के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एक अलग और ऑपोजिट पर्सनैलिटी भी थी, और महाभारत के इस वर्जन को रिसर्चर्स ने गोंडी महाभारत का नाम दिया है। पंडवानी में महाभारत की माँ कुंती कटमा बन जाती है। हस्तिनापुर हासना नगरी है, कौरव कांवर कहे जाते हैं, और पंडवानी के हिसाब से कौरव 100 नहीं बल्कि 21 भाई हैं। अच्छा, ये फोक फॉर्म छत्तीसगढ़ में पहले सिर्फ गोंड जनजाति के लोग ही गाते थे और इंजॉय करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया और जनजातियों में भी ये फोक फॉर्म पॉपुलर होता गया। इसको परफॉर्म करते समय एक 3 तार वाला तंबूरा इस्तेमाल होता है और खड़ता। अच्छा, ये तंबूरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कहानी कहते समय परफॉर्मर इसको अर्जुन का गांडीव बना देता है, तो कभी भीम की गदा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मर। इसे 3 तार वाले तंबूरे और करताल के साथ गाया जाता है। इसमें तंबूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मर जब किसी कैरेक्टर को इनैक्ट करता है तो कभी ये भीम की गदा बन जाती है और कभी अर्जुन का गांडीव धनुष। अब स्टेज पर को परफॉर्मर्स मंजीरा और तबला वगैरह भी यूज कर लेते हैं। पंडवानी मेनली छत्तीसगढ़ी संस्करण की 2 किस्में हैं, कापालिक और वेदामती। कापालिक महाभारत की कहानी को लोकल लैंग्वेज में प्रस्तुत करता है और वेदमती क्लासिक होता है। पौराणिक पंडवानी के एक्सपोनेंट झाड़ू राम देवांगन ने कापालिक संस्करण के विरोध में वेदमती संस्करण की शुरुआत की थी, लेकिन पंडवानी के कापालिक फॉर्म ने लोकल टच की वजह से लोकलाइट्स का मन मोह लिया। तीजन बाई के अलावा ऋतु वर्मा और अब प्रभा यादव जैसे कलाकारों ने इसे आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ एरिया के आदिवासियों ने मूल महाभारत की कथाओं को पंडवानी के जरिए जिंदा रखा है, जो कि आजकल टीवी सीरियल की महाभारत से काफी अलग है। आसान नहीं है महाभारत जैसे एपिक को बाय हार्ट सीखना। सो दिस वाज अनदर एपिसोड ऑफ द फीवर फोक प्रोजेक्ट। आपको कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमने बात की पंडवानी की, जो कि छत्तीसगढ़ का एक फोक फॉर्म है। तो अगर आप ऐसे ही और अलग अलग रीजन के अलग अलग फोक फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। कोई सजेशन, फीडबैक, ओपिनियन, एडवाइस हो तो भी बताइए। बताने का तरीका बहुत आसान है, दैट्स माई इंस्टा हैंडल, यहाँ पर जाइए और बिंदास जो भी बताना है, जो भी रिक्वेस्ट करना है, डिमांड करना है, वो बता सकते हैं। ऑल्सो आप इस शो को फीवर एफएम नेटवर्क के सारे रेडियो स्टेशन पर भी सुन सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट एपिसोड एंड नेक्स्ट फोक फॉर्म,